समझ के लगाती है
तो कभी सुलावेगी, कभी जगावेगी, कभी छोड़ेगी, कभी मिलेगी, कभी एकाध शपथ प्रतीत कर देगी। और बेटे बने हैं तो सुनना भी पड़ेगा, कहना भी पड़ेगा। तो इसमें बड़ा विलक्षण शब्द है वो, अतृप्त मुत्सृज्य जवे न साज। डाल दिया एक तरफ कृष्ण को, उन्होंने हूँ बहुत किया तो बोली चेहरो पहले दूध को बचा ले फिर तुम्हें समान लेंगे, तुम तो अपने घर के हो, ऐसा मन है वो दूध को संभाल लिया। अब कृष्ण को आया क्रोध, संजात कोपहा पुरितारुणा धरम संदश्य सतिमन सभाजनम ऋतवामृषाक्षुर ऋषदस्मनारहो जघास हय्यंगवमंतरंगत। ये तो स्वाद ले लेके बैठे कृष्ण को आया क्रोध, क्योंकि जिससे ममता होती है ना उससे कुछ अपेक्षा भी होती है, और जब वो अपेक्षा अपनी पूरी नहीं करता है तो उसके ऊपर क्रोध भी आता है। क्रोध पराये पर आना बुरा है। आप सड़क पर जा रहे हो और एक स्त्री आपको चार गाली दे दे तो आप चुपचाप से झुकावेंगे, भले मानुस होंगे तो है ना, उसको मुंह नहीं लगाएंगे, बोला भले मानुस होंगे तो चुपचाप से झुकावेंगे और चले जाए। और यदि अपने घरवाली हो, श्रीमती जी घर में दो बात सुना दे तो दो की चार सुना दे। तो क्यों, ये अपनेपन की बात है। दूसरे का बच्चा है, किसी के घर में चोरी चमारी कर ले तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है, उसके माँ बाप संभालेंगे। पर अपना बच्चा हो तो उसके सुधार की जिम्मेवारी भी अपने ऊपर होती है। ये जो आत्मीयता है, अपनापन है, वो सब कायदों को तोड़ मरोड़ करके तब आगे चलता है। ममता बड़ी प्रबल वस्तु है। दूध बैठ गया, मैया तो गई उधर। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मैया इस तरह से हमको छोड़ करके जाने लगेगी तो ये प्रेम में विघ्न है, प्रेम में बाधा है, दूसरे लोग भी विमुख हो जाएंगे। ये सेवा बड़ी है कि जिसकी सेवा करनी है सो बड़ा है। अब देखो प्रेम का सिद्धांत यह है कि सेवा बड़ी है हो, मैया प्रेम के सिद्धांत पर बिल्कुल अटल है। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मेरी ममता बड़ी है, मुझे छोड़ के क्यों गई, बाल हट है ना, जिद है, मुझे छोड़ के क्यों गई। तो कोप आ गया, कोप क्रोधाकस्मात, क्रोध को क्रोध क्यों कहते हैं, तो कम रुणी किसी क्रोध को क्रोध क्यों कहते हैं कि वो जो सुख का झरना भीतर से बाहर को आता है उसमें ये रुकावट डाल देता है। क्रोध का स्वाद कम सुखम, सुखद क्रोध रुणक भी इसे क्रोधा, क्रोध की नैरुक्त व्याख्या है ना, नैरुक्त व्याख्या। ये आग है क्रोध माने जो सुख के झरने में रुकावट डाल दे। आप कभी क्रोध नहीं करना, तो काट देना भले पर काटना नहीं, क्योंकि आंख से आंख मिलाओ ना कभी, आपका मन ध्यान में न लगता हो, चंचल होता हो तो हमारी सलाह मान लेना, ध्यान में आंख से आंख मिला लेना। आंख से आंख मिलने पर ज्ञान की एकता हो जाती है, नींद नहीं आती है, चित्त जब तक वो देख रहा है तब तक हम कैसे उसकी ओर से आंख हटावे। नयन प्रीति प्रथमम, प्रेम का पहला दौर है आंखों का प्रेम, आंखों की प्रीति। चक्षु राग प्रथम, पहले आंखें रंग जाती हैं, पहले हो ऐसी से चार हो जाती है ना, चार दृग वृषत सूचत कुटुम्ब दुरथ चतुर चित्रीत भरत गांठ दुर्जन, ये सही नहीं है अभी। क्या मजेदार है, देखो तो उलझती हैं, तो उलझती हैं आंखें और टूटता है कुटुम्ब, तो टूटता है कुटुम्ब और जुड़ती है प्रीति, और जुड़ती है प्रीति और गांठ पड़ती है दुश्मन के दिल में। सही नहीं है अरे, लगा लगी लोयन करे नाक मन बन जाए, लाज लगाम न माने नैना मोह बस नाए,
ये मुहजोर सुरंग लो ऐसे तू चली जा। तो चौर के विष्णु की देखा श्री कृष्ण की आंख की ओर देखो, चौकन्ने शंका है आंख में, क्या शंका है, तो मैया आके कहीं पीछे से पकड़ न ले। विशंकित नेत्र, चकित नेत्र, दीप नेत्र, आर्त नेत्र, ये ईश्वर घराना रूप है। ईश्वर किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, किसी भी रूप में हो, कोई भी कर्म करता हो, कोई भी भोग करता हो, कैसा भी दिखता हो, पर ईश्वर का ईश्वरत्व उससे छूटता नहीं है। ईश्वर ईश्वर ही रहता है। इसका जो फलितार्थ है वो आपको सुना है तो सवेरे वाली सारी बात उस पर आ जाएगी। बिना सवेरे की कथा में जितनी बात आई हुई थी, क्षण में सुखी हुए, क्षण में दुखी हुए, क्षण में पापी हुए, क्षण में पुण्यात्मा हुए, क्षण में रोए, क्षण में हंसे, इन आत्मदेव के जीवन में भी हजारों रूप प्रकट होते रहते हैं, परंतु इससे इनके अखंड चैतन्यत्व का कोई भी ह्रास विकास नहीं होता। देखो, अगर इस तरह की बात आत्मा का नाम लेकर कही जाती तो लोगों को अच्छी नहीं लगती, पर ईश्वर का नाम लेकर कही जाती है तो वो लीला मालूम पड़ती है। देखो, एक बात ये ध्यान में लाने लायक है। ंग्रेरुपरिव्यवस्थित अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिलोकीनाथ सर्वेश्वर कुल मालिक कुल के मालिक सर्वेश्वर कुल मालिक कहाँ बैठा? बोले उल्टे हुए उखल के ऊपर। अरे कैसा ईश्वर है? तो कंगाल है, दरिद्र है। बोले नहीं, दुनिया के लोग उसको कंगाल समझे पर है वो सर्वेश्वर। तो आपको दो बात सुनाई, एक तो ये कि जब माँ अपनी गोद से उतार के बच्चे को फेंक दे नीचे तो बच्चा कहाँ जाएगा? बोले खल संगति में जाएगा। तो ये जो उलूखल है ना, उलूखल, उलूखल माने वो खरा जिसमें कूदते हैं, वो मूसर, जिस पर मूसर पड़ता, उसका नाम खल इसीलिए रखा गया है कि मूसर किसके ऊपर पड़ा? बोले खल पर। मुसल का पात्र कौन है? तो मुसल का पात्र खल। तो भगवान ने एक उलाहना दिया। दूसरी बात इसमें बड़ी सूक्ष्म है, वो विद्वत भोग्य बात है ना। विद्वत भोग्य माने विद्वानों को उसमें मजा आ रहा है, ऐसी बात। तो ये जो हेमे होमे हो जाते हैं वो विद्वान नहीं है ना। ये बी ए बी ए हेमे होमे कुछ हो जाए उनके मान की ये बात नहीं है, बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम बात बोलते हैं। हमारे यज्ञ शास्त्र का अध्ययन किए हुए हो गए, हमारा श्रौत सूत्र, हमारा गृह सूत्र, हमारा धर्म सूत्र, हमारे ब्राह्मण आरण्यक मीमांसा, तब उसको मालूम पड़ेगा कि ये जो उलूखल नाम की वस्तु है ना, ये यज्ञीय है। वो यज्ञीय माने यज्ञ में उखल काम आता है, वहाँ ब्रीही अवहनन के लिए, धान कूट के चावल निकालने के लिए यज्ञ में संस्कृत चावल, संस्कार युक्त चावल निकालने के लिए उखल की जरूरत पड़ती है। तो उखल तो यज्ञ रूप है, यज्ञावयव है, यज्ञ रूप है। तो उसको उलट के सब भगवान उस पर बैठे हैं, माने जहाँ यज्ञ जाग का अधिकार समाप्त हो जाता है, ये वैदिक कर्म, सकाम कर्म, स्वर्ग प्रापक कर्म जहाँ उलट दिए जाते हैं, यज्ञ से परे उखल को उल्टे हुए उखल पर बैठे हैं, सीधे उखल पर मैं नहीं, माने यज्ञ जाग से भगवान नहीं मिलते हैं, हो जाग से ऊपर मनुष्य जाता है तब भगवान की प्राप्ति होती, वहाँ बैठे हैं। अच्छा, ये कर्माधिकार के अंतर्गत भगवत प्राप्ति नहीं है। आपको ये बात मैं जोर दे के कह सकता हूँ कि आपकी समाधि लग सकती है प्रारब्ध से, यदि पूर्व जन्म में आपका योगाभ्यास किया हुआ हो है, तो इस जन्म में समाधि लग जाएगी, अंतःकरण शुद्ध हो सकता है।
आपको सुख मिल सकता है, आप मर के तुरंत स्वर्ग जा सकते हैं। ऐसा प्रारब्ध बन सकता है कि स्वर्ग वहां से खींच के आपके पास आ जाए, लेकिन प्रारब्ध से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान कर्म के फल नहीं है। क्या जब हमारा प्रारब्ध होगा, जब भगवान मिल जाएंगे। कर्म छोटा होता है, उसका फल छोटा होता है। समाधि घंटे, दो घंटे, छह महीने के लिए लगती है। स्वर्ग बरस, दो बरस, हजार बरस के लिए मिलता है। सुख बरस, छह महीने के मिलता है। भगवान मिलते हैं तो हमेशा के लिए मिलता है। इसलिए भगवान कर्म के फल नहीं है। वो तो ठेला हाथ में लेके फेंकते है ना ऊपर, तो जितना वेग होगा उतना ऊपर जाएगा। ऐसे कर्म से जब किसी को ऊपर की ओर फेंका जाता है कि ऊपर जाओ, तो उसके कर्म में जितनी ताकत होगी उतना ऊपर जाएगा और फिर गिर पड़ेगा। जितना पैसा चुकाओगे उतने दिन होटल में रह सकते हो। हाँ, ईश्वर ऐसा नहीं है। तो उलूखलांग्रे ऊपर ही व्यवस्थित हूँ, उलूखल पर बैठा हुआ है। करते क्या है, खल संगति हुई ना, इसलिए मैया दौड़ी, इसीलिए मारने को इसीलिए दौड़ी। तो हमारा बेटा हो करके खल की संग, उलू खल हो, उलू खल की संगति करता है, उलू खल पर बैठता है। तूने अपनी गोद से फेंक दिया तो अब तेरा क्या हक है बोलने का। अच्छा, लेकिन बैठ के करते क्या है, कमर गाय कामम सदतम स्थितम खस्थितम अवनौ दुर्लभम। आकाश में रहने वाली चीज धरती पर मुश्किल से मिलती है, परंतु भगवान ने ठीके पर रखा हुआ मक्खन धरती पर रहने वाले बंदरों को सुलभ कर दिया। भूतम यथा समय तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये मुग्धं स्निग्धं मधुर मुरली माधुरी वीरनादै कारं कारं करणविवशम् गोकुलव्याकुलत्वम् कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनांगं ते नित्यं निवसतु मनो वल्लवी वल्लभं नः। अभिनवनवनीतस्निग्धमापीतदुग्धम् दधिकण परिदिग्धम् मुग्धमंगम् मुरारे दिशतु भुवन कृच्छ्रच्छेदी ताभिच्छदुच्छच्छविनवसिकिचिच्छेद लांचितम् वांचितम् नः। आज जन्माष्टमी, जो लोग हमेशा जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं उनकी जन्माष्टमी नहीं हुआ करती है ना। जन्माष्टमी तो जहाँ परतंत्रता है वहाँ जन्माष्टमी क्या, माने जो कर्म से पराधीन हो करके जन्म मृत्यु के चक्कर में आता जाता है उसका जन्म कोई उत्सव मनाने योग्य नहीं है। जो स्वतंत्रता से आवे, स्वतंत्रता से जाए, स्वतंत्रता से रहे, ये स्वातंत्र या तो ब्रह्मनिष्ठ है या तो ब्रह्म ही है। वैसे निष्ठ शब्द का अर्थ वही होता है, ब्रह्म रूप ही है ये उसका। तो प्रातः काल मैंने आज भारतीय विद्या भवन में लोगों से कहा था कि हम आज सायंकाल ये बात सुनाएंगे कि ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञानी दोनों के समन्वयात्मक प्रतीक के रूप में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन हुआ है। ब्रह्म कहो तो ब्रह्म है कृष्ण, और ब्रह्मज्ञानी कहो तो ब्रह्मज्ञानी है कृष्ण। वैसे दोनों में कोई भेद नहीं होता, जो ब्रह्मज्ञानी है सो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है सो ब्रह्मज्ञानी है। पर यहाँ लोगों ने कहा कि जन्म की कथा जरूर सुनाओ, तो दोनों को मिला के बोलते हैं। पहली बात तो श्रीमद् भागवत से ये देखने की है कि श्रीमद् भागवत
में ही आध्यात्मिक प्रतीकों का उल्लेख मिलता है। तो कोई ये न समझे कि ये किसी व्यक्ति विशेष की कल्पना है, क्योंकि यदि एक बार द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वो चले गए, लीला संवरण कर लिया, गोलोकधाम में चले गए, तो कलयुग के लोगों के लिए, माने आजकल के वर्तमान लोगों के लिए क्या मिला? उनके अवतार का फल तो आज के लोगों को मिलना चाहिए ना। तो अब समझो, द्वापर शब्द का अर्थ है संस्कृत में संशय, संदेह। कोश में भी है, व्याकरण से भी है, बोला द्वापर, जो दोनों के परायण हो, बोला। तो जैसे कोई नदी की धारा कभी इस किनारे बहे और कभी इस किनारे बहे, इसी प्रकार जब चित्त की वृत्ति उभय कूलावगाहिनी हो जाती है, ये ठीक है कि ये ठीक है, उसको बोलते हैं द्वापर। माने जब संशयवाद की प्रधानता होती है सृष्टि में, ब्रह्म पर संदेह, ईश्वर पर संदेह, माया पर संदेह, वेद पर संदेह, धर्म पर संदेह, ये जो संशय का युग होता है, उसमें निश्चय के रूप में भगवान के अवतार की आवश्यकता होती है। जिज्ञासा न होए तो निश्चयावतार की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो द्वापर युग माने जिज्ञासा का युग। उभय कोट्यवगाही ज्ञान द्वापर है। अब भगवान का अवतार कब होगा? जब द्वापरांत सन्निकट होगा, माने जब संशय की निवृत्ति होने वाली होगी, तब भगवान का अवतार होगा। ये बात बिल्कुल पक्की है ना। अब दूसरी बात सुनो, वसुदेव शब्द का अर्थ श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है, पंचम स्कंध में वसुदेव शब्द का अर्थ दिया हुआ है और नवम दसम स्कंध में, ग्यारहवें स्कंध में उनकी लीला है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दिता, शुद्ध अंतकरण को वसुदेव कहते हैं। समदमादि साधन संपन्न जो अंतकरण है उसका नाम वसुदेव। देवती सर्वदेवता, दिव्यति इति देवती। ये दिव्यति तो अनेकार्थक है, दिबु क्रीडा विजिगीसा व्यवहार द्योति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गति। देवती सर्वदेवता, जहाँ सारी इंद्रियां और सारी मनोवृत्तियां जिसमें जाकर एकीभूत हो जाती हैं, वो बुद्धिवृत्ति। अंतःकरण शुद्ध, ये बहिरंग है वो ब्रह्माकार वृत्ति के उदय में, और देवकी अंतरंग है। वसुदेव के पेट से भगवान प्रकट नहीं होते, देवकी के पेट से भगवान प्रकट होते हैं। तो ब्रह्माकारता में समाधि साधन संपत्ति बहिरंग है, और श्रवण मननादि जन्य जो वृत्ति है देवकी, वो अंतरंग है। देवकी सर्वदेवता। अच्छा, तो भेद भ्रांति जो है नारायण, भेद भ्रम, ये कंस है। कसी हिंसायाम कंसति हिंसति भिनत्ति भिनत्ति छिनत्ति इति कंस, जो खेदन छेदन करे उस अज्ञान जन्य अध्यास को ही कंस बोलते हैं। तो जब वसुदेव और देवकी के द्वारा अवतीर्ण ब्रह्म, देखो ये वेदांत का खास विशेष सिद्धांत है वेदांत का, कि शुद्ध ब्रह्म अज्ञान अथवा अध्यास का निवर्तक नहीं है। वृत्तियारूढ़ ब्रह्म ही अज्ञान और अध्यास का निवर्तक है। माने तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य वृत्ति में, वृत्ति में अज्ञान निवर्तन का सामर्थ्य नहीं है, उस वृत्ति में आरूढ़ जो चेतन है वही अज्ञान का निवर्तक होता है, क्योंकि वृत्ति तो स्वयं अज्ञानोपादानक है, तो वह ज्ञान को निवृत्त नहीं कर सकती। परंतु तदारूढ़ चेतन जो है वह ज्ञानोपादानक नहीं है, इसलिए जैसे हस्त में आरूढ़ चेतन कर्ता हो जाता है,
कर्म वाचक कर्म प्रधान वृत्ति में आरूढ़ चेतन कर्ता हो जाता है, ऐसे प्रमाण जन्य वृत्ति में आरूढ़ चेतन प्रमाता होकर के ही और ब्रह्म विषयक वृत्ति में जब आरूढ़ ब्रह्म है तब वो अज्ञान की परिच्छिन्नता की भेद भ्रांति की निवृत्ति कर देता है। तो जैसे रामचंद्र के संबंध में शास्त्र का वचन है रामो विग्रहवान धर्म, राम क्या है, अगर आपको धर्म जानना हो तो रामचरित्र का अनुसंधान कीजिए, रामचरित्र में से धर्म निकल आएगा। आपके धर्म के संबंध में आपके मन में जितनी शंका हो जितना संशय हो उसका समाधान रामचरित्र से होगा। और कृष्णो विग्रहवत ब्रह्म, कृष्ण क्या है, कृष्ण विग्रहवत ब्रह्म है, कृष्ण विग्रहवत ब्रह्म है ब्रह्म। तो ये मूल बात इसमें ये है। अब देखो इसी को बोलते हैं वृत्ति का अधिष्ठान चेतन जो है वो भेद भ्रांति का निवर्तक नहीं है, वृत्ति में अवतीर्ण जो चेतन है वो भेद भ्रम का निवर्तक है, इसलिए अवतार चैतन्य ही भेद भ्रम की निवृत्ति करता है, ब्रह्म चैतन्य नहीं। यदि अवतार न हो तो पूतना नहीं मरेगी, तब कंस नहीं मरेगा, अविद्या पूतना नष्टा। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि पूतना अविद्या है, क्यों, बोले पूतान अपि नयति, बड़े बड़े पवित्र आत्मा लोगों को भी जिनको विद्या का अभिमान है, तप का अभिमान है, धर्म का अभिमान है, उपासना का अभिमान है, इनको भी ये चट कर जाती है, इसलिए पूतना अविद्या है। और पूतना का धर्म भाई है कंस, ये पूतना बड़ी पहलवान थी बोला, ये किसी से हारती नहीं थी, और गर्ग संहिता में ये कथा है बोला, तो वो सारी दुनिया में घूमती थी कि कोई हमसे लड़ाई कर लो, जो कुश्ती लड़ने में हमको जीत जाएगा उसके साथ हम ब्याह करेंगे। अब महाराज आजकल के सिंगिया पहलवान लोग ऐसी कोई शर्त नहीं कर सकते, लेकिन पूतना न बने तो अच्छा है, पूतना न बने तो अच्छा है बोला। तो कंस की बड़ी महिमा थी, उन दिनों पूतना कंस के पास पहुंची और बोली कि भाई तुम बड़े बहादुर हो, आओ हमारे साथ ब्याह करो, तुम पहले कुश्ती लड़ो और जीत जाओ तो ब्याह करो। अब कंस ने सोचा कि यदि हम इसको जीत जाएं तब भी हमारा नाम नहीं होगा, लोग कहेंगे कि एक स्त्री को पछाड़ दिया तो क्या बहादुर है, और यदि इससे हार गए तब तो लुटिए डूब गई हमारी, तो क्या करना चाहिए। बोले कि बाबा तू हमसे युद्ध क्यों करना चाहती है, तू हमारी बहन बन जा, हम तेरे साथ ब्याह नहीं करना चाहते। तो पूतना और कंस का बहन का संबंध था, हो बहन का, अच्छा तो कंस है भेद ब्रह्म और पूतना है अविद्या, अविद्या नष्ट हो जाए तो अध्यास अपने आप निवृत्त हो जाएगा। बल्कि वेदांत में इसके संबंध में दो मत हैं, ये बड़ी विचित्र बात है, वेदांत की बात आपको सुनाता हूँ। अविद्या की निवृत्ति होने पर भी ये जो कार मूलक अध्यास है विपर्य है उसकी अनुवृत्ति होती रहती है, श्रवण के द्वारा अविद्या का नाश हो गया परंतु विपर्य जो है वो शेष रहता है, वो निधिध्यासन के द्वारा नष्ट होता है। तो विकंस जो है वो भेद भ्रम रूप अभ्यास है, विपर्य है, और पूतना अविद्या है। तो पूतना रूप अविद्या का नाश हो जाने पर भी उसका वंश शेष रहता है, उसको भगवान मारते हैं बोला, वही ब्रह्माकार वृत्ति जो है, और जब जब उसके वंश का कोई आवे तब तब वो ब्रह्माकार वृत्ति उसका विध्वंस कर देती है। तो चूंकि प्रातः काल कह दिया था भाई तो थोड़ी सी बात तो सुना नहीं चाहिए। अब आगे देखो प्रसंग क्या है, पृथ्वी पर बढ़ा भार, पृथ्वी है सत्ता, भूमि भूमिर तृप्त नृप व्याज दैत्यानीक शतायु दई,
भूमि सत्ता और दृप्त नृप जो है घमंडी राजा अभिमानी राजा वो है भार। सत्ता पर भार कौन है? बोले अभिमान, अहंकार ही भार है। भार वार कुछ नहीं है। पृथ्वी पर मकान का भार नहीं होता हो, क्योंकि मकान तो पृथ्वी का अंग ही है। पहाड़ का भी भार नहीं होता पृथ्वी पर, क्योंकि वो तो अपने शरीर पर सिर का कोई बोझ थोड़ी होता है। पहाड़ का भी बोझ नहीं होता, लेकिन जब मेरा अपना और मैं अपना आ जाता है तब वो पृथ्वी पर भार हो जाता है। उस भार की निवृत्ति के लिए पृथ्वी अधिष्ठात्र देवता ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा जो है, ये जब सृष्टि बनाने का प्रसंग आया तो भगवान ने कहा कि बाबा आप तो हमको बेटा चाहिए, बेटा न हो तो सृष्टि कैसे बढ़े। तो भगवान नारायण के दो पत्नी थी, हो लक्ष्मी और क्या नाम दूसरी भूमि, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। माने लक्ष्मीपति भगवान होते हैं जीव नहीं, और भूमिपति भी भगवान होते हैं जीव नहीं। जो जीव अपने को भूमिपति भूपति और लक्ष्मीपति मानता है वो भगवान के सामने अपराधी होता है, क्योंकि इसके सच्चे मालिक भगवान हैं। परंतु वो भगवान के घर में एक विचित्र बात हुई। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि अब हम सृष्टि बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे अगर बेटा नहीं होगा तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। तो लक्ष्मी ने कहा कि बाबा हम तो हमेशा जवान ही रहना चाहते हैं, हमको बेटा नहीं चाहिए। तुम जवान, हम जवान, बुढ़ा होने का सवाल नहीं, मरने का सवाल नहीं, हम बेटा नहीं चाहते। लक्ष्मी जी ने कह दिया कि बेटा नहीं चाहिए। तो भूमि से कहा भगवान ने कि हे भूमि देवी तुम तो प्रसन्न हो जाओ, सृष्टि बढ़े। तो भूमि देवी ने कहा कि बाबा बुढ़िया बनाना हो तो हमारी सौत को बनाओ, हमको मत बनाओ, हमको बेटा नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि अच्छा तुम दोनों अगर बेटे के लिए राजी नहीं हो तो हम बिना दोनों के ही बेटा बना लेंगे। तो भगवान की नाभि में से निकला एक कमल, देखो इसका अभिप्राय है कि स्त्री पुरुष के संबंध से सृष्टि नहीं है, कार्य कारण परंपरा की दृष्टि से नहीं है, ये संकल्पित सृष्टि है। इस बात को प्रकट करने के लिए ये संकल्प जन्य सृष्टि है। हो तो भगवान का संकल्प ही कमल के रूप में प्रकट हुआ, और उस कमल में भी नभैव नाभि, ये आकाश नाभि है। समझो कि आकाश में एक कमल पैदा हो गया। तो नारायण आकाश में कमल कहाँ से पैदा हुआ? न पानी है, न जड़ है, न बीज है। बोले ये भगवत संकल्प है, ये भगवत संकल्प है। नभैव नाभि, नभ को ही नाभि बोलते हैं, और उसमें असंगता का कमल पैदा हुआ। माने भगवान को अपने बेटे से और बेटे की बनाई हुई सृष्टि से कोई आसक्ति नहीं है। अच्छा जी, तो ब्रह्मा जी पैदा हुए तो पृथ्वी को प्रार्थना करनी हुई कि हमको बड़ा दुख है। दुख असल में पृथ्वी को भार वार का नहीं था। पृथ्वी को तो ऐसी शक्ति है कि एक बार करवट बदल दे, वो तो चुपचाप पड़ी है ना, जरा फुलगुला जाए हो तो भूकंप आ जाए और सारे दुष्टों की दुर्गति हो जाए। तो ये तो था बहाना कि हमको इन दुष्टों से बड़ा सुख है, ये था बहाना, ब्याज। असल में पृथ्वी को दुख ये था कि उसके पतिदेव जो नारायण हैं वो रहते हैं बैकुंठ में, पृथ्वी में नहीं रहते हैं। तो सौतई के घर में कोई पति रहे तो ये बात कैसे सहन होगी। अच्छा तो वहाँ से बुलावे कैसे, बुलावे कैसे, कैसे जाएं? बोले अकेले चली जाएं बैकुंठ में। बोले कि हे महाराज आप बैकुंठ छोड़ के धरती पर चलो। तो नहीं, तो फिर ब्रह्मा के पास गई पृथ्वी। बोले भाई एक अपने बेटे को लेकर के जैसे गोद में कोई पत्नी जाए, ऐसे अपने बेटे के पास गई ब्रह्मा के। माने ब्रह्मा नारायण के पुत्र हैं तो पृथ्वी के भी पुत्र हो गए और लक्ष्मी के भी पुत्र हो गए, संबंध बन गया। तो ब्रह्मा ने कहा कि ऐसे अकेले काम नहीं चलेगा, अगर भगवान को पृथ्वी पर बुलाना है तो पूरा डेपुटेशन चाहिए। तो रजोगुण के देवता ब्रह्मा हैं और तमोगुण के देवता रुद्र और कर्म के देवता इंद्र और स्थूलता की देवी जो है वो पृथ्वी, ये सब मिल करके कहाँ गए? तो क्षीर सागर के तट पर गए। बोला क्षीर सागर के तट पर गए और वहाँ जाके इन लोगों ने
इन लोगों ने प्रार्थना की। क्षीर सागर क्या है कि सत्व गुण का समुद्र है। सत्व जब जीवन का तमोगुण और रजोगुण दोनों सत्व के तट पर पहुंचता है तब भगवान के अवतार का समय आता है। अब भगवान ने कहा अच्छा ठीक है तुम लोग बड़े समय से आए हो, जब बड़े समय से आए हो इसका क्या मतलब? तो पृथ्वी समझ गई कि घर की कोई बात होगी तब भगवान ने कहा कि बड़े समय से आए हो। तो घर की बात ये थी कि एक दिन भगवान सो गए थे तो लक्ष्मी जी कहीं बाहर चली गई थी, सरोवर में स्नान करने चली गई थी अपना श्रृंगार विंगार करके, और श्रृंगार गृह से आई भीतर तो जय विजय खड़े थे दरवाजे पर, और वो बोले कि देवी जी अभी स्वामी सो रहे हैं, नारायण सो रहे हैं, अब ठहरिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम लोग सेवक होके हमको हमारे स्वामी के पास जाने से रोकते हो? तो उन्होंने कहा हाँ देवी ऐसा ही है, आप ठहरिए अभी जगाइए मत, उनके आराम में खलल मत डालिए। अब तो लक्ष्मी जी को बड़ा गुस्सा आया, ये कथा भी भागवत में लिखी है बोला ढूंढने वाले को मिल जाएगी, ऐसे तो नहीं मिलेगी लेकिन ढूंढने वाले को मिल जाएगी, गौर से कोई पड़ेगा तब मिलेगी। तो फिर वो तो नाराज हुई और झंझनाई, थोड़ा चेहरा लाल हुआ, थोड़ी आंख टेढ़ी हुई, तो घुस गयी भीतर। अब वो भीतर गयी महाराज तो नारायण से जाके उन्होंने नमक मिर्च लगा के वो सेवकों की शिकायत की। भगवान ने कहा चुप चुप देवी जी चुप रहो, बोलो मत, यदि तुम्हारी वजह से हम इन सेवकों को कुछ कहेंगे या दंड देंगे तो दुनिया में यही प्रसिद्ध हो जाएगा कि औरत के कहे में आकर के इतने बड़े भक्त को इन्होंने निकाल दिया, ये तो स्त्री परबस हैं, स्त्री परबस। देखो आपको कथा सुनाते हैं स्त्री परबस हैं। तो लक्ष्मी ने कहा इनको दंड तो देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा देखो जब किसी साधु संत से ये झगड़ा करेंगे तब इनको निकालेंगे, तब हमारी महिमा बढ़ेगी, जिस भगवान साधु संतों के पक्षपाती हैं, तुम्हारे कहने से निकालेंगे तो हमारी महिमा घटेगी, तुम्हारे कहने से हम नहीं निकालेंगे, निकालेंगे तो साधु संतों के कहने से। अब तो महाराज इनका दिमाग बड़ा हुआ था, सनत कुमारादिकों को रोक दिया। सनत कुमारादिकों की रुचि ये थी कि ये जगत के स्वामी भगवान और देश के एक कोने में इतने ऊंचे पर बैकुंठ में, जैसे कोई किसी हिल स्टेशन में जाके बंगले में आराम कर रहा हो और अपनी जनता प्रजा का ख्याल न हो, ऐसे भगवान यहाँ सोए हुए हैं, तो इनको यहाँ से निकाल के प्रजा में ले चलो। बोले कि ऐसे नहीं मानेंगे, इनके किसी खास सेवक को जब हम धरती पर भेजेंगे तब उसके पीछे पीछे ये भी चलेंगे। इसलिए महात्मा ने प्रजा के कल्याण के लिए क्रोध करके श्राप दे दिया। उस श्राप में भी प्रजा के कल्याण की कल्पना थी। ये है कथा, आप लोग पढ़ते हो सुनते हो जरा कभी कभी उस पर गौर भी किया करो। तो भगवान ने कहा बड़े समय से आए, बड़े समय से आए तो अच्छा फिर अवतार लेंगे, और बता दिया कि हमारी श्रीमती धरा जी को क्या दुख है, पृथ्वी को क्या दुख है, ये बात हमको मालूम है। उस प्रसंग में ये बात कही गई है, पुरई व पुंसा वधृतो धराजवरो भवद विरंशैर जदुषु उपजन्यता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम लोग जब गए ना तुम्हारा दुख निवेदन करने के लिए पृथ्वी देवता, तो भगवान ने कहा कि तुम लोग कौन होते हो जी, हमारी पत्नी को बुखार आवे और हमको मालूम ना होए, गांव के लोग आके हमको खबर दें, और तुम लड़ाई करवाना चाहते हो क्या? देखो पुरई व पुंसा व धृतो धराज्वरो, धराज्वर पृथ्वी को जो बुखार है रोग है उसको भगवान ने कहा हम पहले से जानते हैं, तुम समझते हो कि गांव वालों को खबर हो गई कि पृथ्वी को दुख है और हमको खबर नहीं है, हम ऐसे पति है कि अपनी पत्नी की खबर नहीं रखते, हम ऐसे पति नहीं हैं, हम अपने पत्नी की पूरी खबर रखते हैं कि उसके घर में क्या हो रहा है, कैसे सोती है, कैसे जागती है, कैसे उठती है, कैसे कैसी तकलीफ है। अच्छा महाराज फिर भगवान, अब देखो एक प्रसंग आपको और सुनाता हूँ। भगवान का जब अवतरण हुआ तो काल जो है वो सर्प गुणों पे और प्रसन्न हो गया, अथ सर्प गुणों पे तहा काल परम शोभन जरिए वा जन जन्म रक्षम
शांतर्क्ष ग्रह तारकम दिशा प्रतेदुहो तो गगनम निर्मलोदु गणोदयम मही मंगल भूयिष्ठो पुरग्राम प्रजाकरा। तो क्या हुआ, एक बात आपको सुनाता हूँ। ये जो हम लोगों की घड़ी में काल होता है ना, ये तो झूठा है, वो एक ब्रह्मांड का भी नहीं है। वो ये जो इस समय सायंकाल है वो एक ब्रह्मांड की नहीं है और एक धरती की नहीं है, तो पूरे ब्रह्मांड की क्या बात है। एक जगह सुबह है, एक जगह शाम है, एक जगह दोपहर है, एक जगह रात है। आ क्या काल है ये छोटे छोटे काल को पकड़ के लोग बैठ जाते हैं। और दूसरे ब्रह्मांडों में क्या है, कहीं सूर्य होता है कहीं नहीं होता है किसी ब्रह्मांड में, किसी ब्रह्मांड में धरती होती है और किसी में नहीं होती है, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड होते हैं। तो काल के माने क्या होता है, कोटि कोटि ब्रह्मांडों के उदय और विलय में जो नित्य सातत्य की धारा, नित्यता की धारा बह रही है। तो बोले भगवान ब्रह्म का जब अवतरण होगा तो पहले इस ब्रह्मांड वाले काल में नहीं होगा, पहले काल तत्व में अवतरण होगा। बोला माने नित्यता को ब्रह्म ने व्याप्त कर लिया, ये अवतरण हुआ। जो लोग दर्शन शास्त्र की रीति से काल का स्वरूप जानते हैं ना, ये जो क्रम की धारा बह रही है, जैसे हमने घट शब्द बोला हो तो पहले घ पीछे ट, कृष्ण शब्द बोला तो पहले क्री और पीछे श्न, ये क्या है, ये काल में जो क्रम है ना पहले और पीछे का, ये दुनिया में जितना पहले पीछे हो रहा है इस कल्पना का जो आधारभूत तत्व है उसको काल बोलते हैं। नारायण क्रम की संबित का जो निमित्त है उसको काल बोलते हैं। और शास्त्रीय दृष्टि से काल का जो स्वरूप है ना, ये दैर्घ्य विस्तार की संबित जिस निमित्त से होती है उसको दिक् तत्व बोलते हैं, उसको दिक् तत्व बोलते हैं। तो भगवान ने समूचे काल को व्याप लिया, वो सर्व गुणोपेत हो गया, और समूची दिशा को व्याप लिया, वे पूर्ण हो गए, संपूर्ण प्रपंच में पूर्ण हो गए और संपूर्ण प्रपंच के क्षण क्षण में पूर्ण हो गए, और उसके बाद गगनम आकाश में पूर्ण हो गए, और उसके बाद बभौ वायु सुख स्पर्श वायु में पूर्ण हो गए, उसके बाद अग्नेस्य द्विजाति नाम शांता सत्र समयदत अग्नि में पूर्ण हो गए, और उसके बाद नद्य प्रसन्न सलिला जल में परिपूर्ण हो गए, और उसके बाद मही मंगल भूष्ठ पुरग्राम प्रजाकरा पृथ्वी में परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार देश में काल में वस्तु में पंचभूत में भगवान श्री कृष्ण का अवतार, जैसे मनुष्य का के पेट में एक माता के पेट में जैसे बालक आता है, ऐसे नहीं आए। जब ब्रह्म चला व्यक्ति बनने के लिए, जब ब्रह्म चला तो संपूर्ण काल में संपूर्ण देश में संपूर्ण वस्तु में आकाश में वायु में अग्नि में जल में और पृथ्वी में जब ब्रह्मता व्याप्त हो गई, आपको ये शायद मालूम हो ना हो, एक ब्रह्मांड जो बनता है पंचभूत बड़ा कि ब्रह्मांड बड़ा, आप लेके ध्यान में ये बात है, पंचभूत बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें करोड़ों ब्रह्मांड एक साथ बनते हैं और टूट जाते हैं और फूट जाते हैं और बन जाते हैं, और पंचभूत बहुत बड़ी चीज होती है। बोला पंचभूत बहुत बड़ी चीज होती है, जैसे मिट्टी में घड़ा बने तो मिट्टी बड़ी कि घड़ा बड़ा, मिट्टी की उम्र बड़ी, मिट्टी का आयतन बड़ा, मिट्टी का वजन बड़ा, घड़ा तो बनता है बिगड़ता है, ये ब्रह्मांड तो खड़े की तरह है, और मिट्टी मिट्टी पानी में, पानी आग में, आग हवा में, हवा आकाश में, आकाश दिक् काल में, और नारायण और दिक् काल जो है वो परमात्मा के संकल्प में, और संकल्प जो है वो माया शक्ति से, और माया शक्ति परब्रह्म परमात्मा में कल्पित। अब आगे देखो, इसके बाद क्या हुआ, मनांस्यासन प्रसन्ना ने सबके मन प्रसन्न हो गए। अब ब्रह्मांड में पृथ्वी में ब्रह्मांड मन पंचभूत में ब्रह्मांड
और ब्रह्मांड में ये छोटी सी पृथ्वी मृत तत्व जुदा चीज है पंचभूत के अंतर्गत, और ये पृथ्वी जुदा चीज है। अब पृथ्वी के बाद संपूर्ण विश्व समझो, और संपूर्ण विश्व में एशिया समझो, उसमें व्याप्त हो गए, उसके बाद भारतवर्ष में व्याप्त हो गए, उसके बाद मथुरा मंडल में व्याप्त हो गए, मथुरा मंडल में कंस के कारागार में व्याप्त हो गए, और कंस के कारागार के बाद देवकी के पेट में व्याप्त हो गए। ये अवतार की परंपरा है। तो व्यक्ति में जैसे कोई साधक भगवान को अपने हृदय में लाना चाहे, तो गंध को पवित्र करो, रस को पवित्र करो, रूप को पवित्र करो, स्पर्श को पवित्र करो, शब्द को पवित्र करो, और अपने भाव को पवित्र करो, तब तुम्हारे हृदय में भगवान का ध्यान होगा। इसी प्रकार ब्रह्मांड समष्टि में भगवान का अवतार होने के लिए, ये ब्रह्मांड में जो भगवान का अवतरण है, और संपूर्ण अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड में जो अवतरण है, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड में, ये अवतरण की प्रक्रिया है। अब नारायण ये जो अवतार है, ये अवतीर्ण होकर के क्या करता है कि पहले अपने माँ बाप के बारे में आप लोग बिल्कुल नियत न समझ लें। बनाया हुआ जब माँ बाप होता है ना, तभी उसको छोड़ करके तुरंत जाया जा सकता है। जिसके पेट से पैदा हुए उसके पास नहीं रहे, जिसके पेट से पैदा नहीं हुए उसके पास चले गए। तो भाव में भगवान रहते हैं, भगवान की उपस्थिति भाव में रहती है, और ये भाव ही देखो कंस अहंकार पूतना अविद्या स्मरण और बकासुर तम सकटासुर जडत्व तृणावर्त रजस्तम अघासुर स्वयं पाप और धेनुकासुर अभ्यास देहाध्यासो ही धेनुका श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा। सारी आध्यात्मिक व्याख्या श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने श्रीमद् भागवत पुराण की हुई है। अच्छा, ये तो हुई उधर की परंपरा। अब एक दूसरी बात देखो, श्री कृष्ण के जीवन को देखो, तो बिल्कुल ब्रह्म ज्ञानी का जीवन है। वो रोता हुआ ब्रह्म है, वो हंसता हुआ ब्रह्म है, वो खेलता हुआ ब्रह्म है, वो चोरी करता हुआ ब्रह्म है, वो छेड़छाड़ करता हुआ ब्रह्म है, वो रास लीला करता हुआ ब्रह्म है, और वो गोपियों को छोड़कर मथुरा में जाता हुआ ब्रह्म है, और मथुरा को छोड़कर द्वारका में जाता हुआ ब्रह्म है, द्वारका में 16,000 पत्नियों से विवाह करता हुआ ब्रह्म है, 16,000 भवनों में रहता हुआ ब्रह्म है, वो आसाम की सीमा पर प्राग ज्योतिषपुर में जाके विवाह करता हुआ भी ब्रह्म है, और वो जौनसार में जाके भी हिमालय में जाके ब्याह करता हुआ ब्रह्म है, वो मध्य प्रदेश में जाकर ब्याह करता हुआ ब्रह्म है, वो प्रत्यक्ष में अस्त होता है, प्राक में उदय होता है, और अस्त होके भी जगन्नाथपुरी में जाता है। ये देखो रीति ये हुई है, ब्रज की लीला तो प्रगट लीला है, और द्वारका की लीला जो है वो प्रत्यक्ष लीला, पीछे द्वारका जो है प्रत्यक्ष है। लीला का संवरण कहाँ होता है? पराक में नहीं होता, प्रत्यक्ष में होता है। जब हम पूरब मुंह से खड़े होते हैं ना, सामने की ओर से तो लीला आती है, और जाती कहाँ है? सूर्य का प्रकाश सामने से आता है, जाता कहाँ आएगा? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में जाता है, द्वारका में आकर के लीला का संवरण होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जीवन में हम देखें, केवल उपदेश की बात नहीं है कि उन्होंने उद्धव को ज्ञान दिया कि अर्जुन को ज्ञान दिया, बोला ये कोई उपदेश करने वाली बात नहीं है। उनका समग्र जीवन ही कहो, आप जो कर्म कहो वो हम श्री कृष्ण के जीवन में आपको बता सकते हैं। नारायण वो ये वेद जो है ना, वेद वो केसी घोड़ा बन के आया था, केसी घोड़ा बन करके आया था कि हम कृष्ण को दबा लेंगे। धर्म जो है वो वृषभासुर बन के आया था कि हम कृष्ण को दबा लेंगे, बोला। और समाधि व्योमासुर बन के आई थी कि हम कृष्ण को दबा लेंगे। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी वो चीज है जो वेद से, धर्म से, समाधि से भी दबता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में, संपूर्ण ब्रह्म, ब्रह्मत्व का निरूपण ब्रह्म की दृष्टि से देखो,
तो श्री कृष्ण में द्वैत का भ्रम बिल्कुल है ही नहीं, द्वैत नाम की वस्तु ही नहीं है, भ्रम का क्या प्रश्न है। और यदि ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि से देखो तो ऐसी असंग रहनी है कि जिसकी कोई हद नहीं। अब भाई नारायण, अब आज तो इतना ही, अभी कल भी हम कृष्ण ही के बारे में बोलेंगे बोला, क्योंकि नंदोत्सव का प्रसंग है तो श्री कृष्ण के संबंध में थोड़ी बात और आपको सुनावेंगे, लीला भी सुनावेंगे, लीला का भाव भी सुनावेंगे, पर ये बातें जो है ना वो सर्व साधारण तक पहुंचती नहीं है, इसलिए कभी कभी कोई ऐसा प्रसंग आवे तो पहुंचा देना ठीक रहता है। अच्छा, तो नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की।